किलो दो का तीन रस्ते का माल सस्ते में, भाई साहब बहुत सस्ता, ले जाओ ले जाओ किलो। सॉरी सर। वंडे सबको प्रेशर लगा है क्या? ब्रिलियंट। ये स्माइलिंग बुद्धा क्यों? जादू देखा। जादू? वो एलियन? 5 सेकंड लेट हो। अरे वो तो 5 साल पहले आई थी। हाथ की सफाई, पॉकेट की धुलाई। अच्छा, वड़ी किसका पॉकेट मारा? तारू पॉकेट। पर्स तो सही सलामत है पर पैसा गायब। मैं तो नहीं गया। अच्छा, वीकेंड पे मिलते हैं ना? ए, मेरे पास 4,000 थे, 2,000 रह गए। इसे कहते हैं जादू की झप्पी। वड़ी कैसे पॉसिबल है? रिप्ले देखना चाहता है, फोन पर बात करवानी, खोटी एक्टिंग कर। हेलो मैडम, प्रियदर्शन बोल रहा हूँ। आज ही मुंबई पहुंचा हूँ, काम बढ़िया चल रहा है। अपना जो कंसाइनमेंट था क्लोथ मटेरियल्स का, वो पहुंच गया है। नए डिजाइन का सैंपल दिखाने के लिए मैं खुद ही आ जाऊंगा। अगर नहीं आ पाया तो अपने असिस्टेंट के हाथ भिजवा दूंगा। आप चेक कर लेना और दीदी, ग्रीन शर्ट में टकला रहा है, उसके हाथ में ब्रीफकेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। पहले कभी आपको कम्प्लेन आया है? वही तो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अप्रूव कर दीजिए, बाकी हम ऑर्डर आपको भिजवा देंगे मैडम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैडम, बस कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा तो फिर। अरे सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं है। हाँ, पेमेंट का मैं। हेलो, यूरी, कतरीना बनके यहाँ पे लोगों की जेबें काटती हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? I'm from respect। इंग्लिश मत झाड़। इंग्लिश बोलने से तेरी असलियत छुपने वाली नहीं है। अपनी आंखों से तेरा खेल देखा है मैंने। टकले के पर्स से कितना पैसा मारा तूने? क्या हुआ दीदी, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं क्या? आ गया ट्रायंगल का तीसरा एंगल। चलो सब लोग पुलिस स्टेशन। नहीं सर, प्लीज सर, आपका पैसा लौटा देती हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज। अच्छा, मेरे पैसे दे रही हो, बाकियों का क्या? एक सेकंड, तुम्हारा टैलेंट काफी पसंद आया, कल यहाँ आ जाना। ये लो रखो। अरे हरिश्चंद्र की औलाद, कहाँ जा रहा है? ओए खोतिया, एड्रेस देने को वो कतरीना ही मिली। मुझे रोका ना होता तो वो अब तक हवालात में हवा हवाई करती। ओए पुत्र, क्यों होया? मुझे डिटेक्टिव अंकल से मिलना है। हो की गल है, मैनू बता। मैं सिर्फ डिटेक्टिव अंकल से बात करूंगा। क्यों भाई, मैं शक्ल से डिटेक्टिव नहीं दिखता? नहीं, बावर्ची लगती हो तेरी। कपड़ों से प्याज की बदबू आ रही है। और चलो ऊपर, तेनू मिलवाता हूँ डिटेक्टिव से। बैठो। जब पापा के आईपैड पे डिटेक्टिव वर्ड सर्च किया तो कई नाम दिखे होंगे, फिर मेरे पास ही क्यों आए? क्योंकि मैंने बहुत डिटेक्टिव के ऐड देखे, उसमें सब स्टूपिड से पोजेस थे। फिर आपका ऐड देखा जिसमें सिर्फ लिखा था डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन। मुझे आप सच्चे लगे इसलिए आपके पास आया। स्कूल बंक करके आए हो? जी हाँ। नाम क्या है? नवीन। नाउ टेल मी नवीन, कल रात क्या हुआ? हमारा घर जुहू में है, बीच के पास एक बड़ा बंगलो है। बीच और बंगलो में कितना डिस्टेंस है? 343 फीट। एक रेस के लिए मैंने और मेरे बहन ने मेजर किया था। कंटिन्यू। हमारे पप्पी का नाम नीमो है। एवरी नाइट 9:30 को उसको सुसु करने के लिए हम गेट खोल देते थे। सुसु करने के बाद 9:40 को वो लौट आता था, पर कल रात वो नहीं लौटा। हो, तो मिसिंग डॉगी का केस है? नहीं,
डेड डॉगी का। रात 12 बजे तक उसका वेट किया, फिर मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा तुम सो जाओ, वो आ जाएगा, पर मैं सो नहीं पाया। मैं उसका वेट करता रहा। जब वो 1 बजे तक नहीं आया तब मैंने मम्मी पापा को उठाया। मेरे पापा उसे ढूंढने बाहर गए। हमारे गेट से 20 फीट की दूरी पर उसकी डेड बॉडी मिली। उस पे टपरच मारा तो देखा कि वो खून से भरा था। नीमो की ब्रीड क्या है? पोमेरेनियन। मेरी सिस्टर रात भर रोती रही। मैंने मेरे पेरेंट्स को पुलिस को बुलाने को कहा। 140 को एक कांस्टेबल अंकल घर पर आए। उसने कहा वो बिजी है, एक कुत्ते के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। Am I right? Yes, sir. उन्होंने कहा अगर हमें एक सेम टू सेम नया डॉगी चाहिए तो वो ला के देंगे। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे गार्डन में ही गड्ढा खोद के नीमो को दफना दिया, राइट? यस सर। उसे मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे पेरेंट्स आज उसे भुला के एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने गए हैं। मेरी सिस्टर अब नीमो को देखने की जिद कर बैठी है। मैंने उसकी बॉडी खोद के निकाली। जिस कपड़े में हमने उसे लिटा था वो पूरा लाल हो गया। मैं नीमो को देखते ही रह गया। जब तक मम्मी पापा नहीं लौटे हम उसे देखते हैं। पापा ने हमें बहुत डांटा। पापा ने नीमो को फिर से उस गड्ढे में डाला और मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर दिया। एक कुत्ते के लिए इतना रोना? वेट। जब मैंने नीमो को अपने हाथों में उठाया तब मुझे उसके खून से भरी हुई बॉडी से ये चीज मिली। अरे कन्हैया, ये तो बुलेट है। मैंने शर्लॉक होम्स के एपिसोड्स देखे हैं, बट ही इज नॉट रियल। मुझे हर हाल में नीमो के किलर्स को ढूंढना है, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। प्लीज मेरे लिए उस किलर को ढूंढिए। ये मेरे पॉकेट मनी की सेविंग्स है, 837 रुपीस। इतनी सी फीस में आप नीमो के किलर्स को ढूंढ सकते हैं अंकल? अगर मैंने नीमो के हत्यारे को ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे? मैं उससे पूछूंगा मेरे मासूम से डॉगी ने उसका क्या बिगाड़ा था। मनोहर, इसे बाहर छोड़ाओ और इसका एड्रेस ले लेना। क्या आप मेरा केस लेंगे अंकल? यस। थैंक्स अंकल। अब तुम जाओ। ओ पुत्र, चल चल। हेलो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, एक सेकंड। जोएल, फोन। अच्छा, मैंने जो फिंगरप्रिंट दिए थे तो वैन नहीं सर, अभी कुछ नहीं है। हेलो, ठीक। और मुझे देखते हैं कौन मेरे जीजा बोल रहे हैं। हां, मेरी कोई बहन नहीं है। इन रिपोर्ट में कम से कम 4 दिन। ठीक ठीक, ओके, वेट, आता हूं। रिपोर्ट आज शाम तक। देखो कन्हैया, एक बार तुम्हारी मदद की ना, हर दिन आओगे तो कैसे चलेगा? इम्पोर्टेंट है इसलिए आया हूं। अरे भाई, पुलिस वाला हूं मैं, एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद करना रूल्स के अगेंस्ट है। मैंने भी तो हेल्प की थी। हाँ, एक ही केस में तो की थी, तो क्या हुआ? अगर कमिश्नर को पता चला कि ट्रिपल मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत थी तो अखा डिपार्टमेंट काला पानी में चक्की पीसिंग। मुझसे क्या चाहते हो? इस बुलेट की इंफॉर्मेशन। आ गया रामलाल। It's a 9mm bullet.
ग्लॉक 19 या 20 से शूट हुई होती तो कुत्ते की बॉडी में नहीं रहती। पर ये तो वहीं से मिला है। ग्लॉक से फायर हुई होती तो बुलेट बॉडी की दूसरी तरफ निकल जाती। ग्लॉक इज वेरी पावरफुल। वटी बुलेट डॉगी के टमी से निकला नहीं, छोकरे ने तो यही। नो चांस। एनालिसिस से पता चला कि बुलेट किसी सख्त चीज से टकरा के आई। टकरा के आई? यस, पहले मेटल या पत्थर से जा टकराई, फिर जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी स्पीड कम हो गई और ये जाकर उस कुत्ते के पेट में घुस गई। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। ये लो, बाय जोएल। थैंक्स, चलता हूं। थोड़ा पीछे जा, पाछड़ पाछड़, थोड़ा और पाछड़, थोड़ा लेफ्ट और पीछे, तेरा राइट, ऊपर चढ़, आ गया। एक काम कर, शूट करने वाला पोज दे,